प्रभु येशु पर्व महोत्सव दौला मिट्टी के इन्फेंट जेसस चर्च में संपन्न। वाड़ी नागपुर अमरावती महामार्ग से दौला मिट्टी के इन्फेंट जेसस चर्च द्वारा हाल ही में प्रभु येशु महोत्सव पर्व उत्साह से मनाया गया। येशु पर्व के लिए संपूर्ण चर्च व परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। प्रभु येशु की मूर्ति व जीवन से संबंधित चित्र व झांकियां लगाई गई थी। इस समारोह में शामिल होने के लिए नागपुर शहर के असंख्य चर्च के प्रतिनिधि व कलाकार निमंत्रित किए गए थे। हजारों की संख्या में उपस्थित येशु प्रेमी अनुयायियों की उपस्थिति में पूजा व प्रार्थना प्रमुख बिशप स्वामी अलायंस गोल्ड सर्विस के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। फादर जेरोम पिंटू इस अवसर पर उपस्थित थे। पूजा व प्रार्थना पश्चात धर्म गुरुओं ने प्रभु येशु के जीवन उपयोगी आशीष वचन सुनाए। प्रभु येशु के आशीर्वाद व वचनों से मनुष्य जीवन सुखमय व प्रेममय हुआ है। खुशी व समाधान के लिए प्रभु येशु द्वारा दिखाए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। बड़ी संख्या में उपस्थित नागपुर शहर के चर्च से आए कलाकारों ने प्रभु येशु के महिमा के सुमधुर गीत वाद्य संगीत के साथ प्रस्तुत किए। शाम को आयोजक चर्च की ओर से आकर्षक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। प्रभु येशु व उनके जन्म व अन्य ऐतिहासिक घटना व विशेष कार्य पर आधारित चित्र झांकियां आकर्षक रूप से वाहनों पर सजा कर शोभा यात्रा व वाद्य संगीत व गीत गाए हुए। प्रभु येशु की जय जयकार गुनगुनाते हुए आठवां मेल राठी लेआउट सिद्धार्थ सोसाइटी सम्राट अशोक नगर अमरावती महामार्ग भ्रमण करते हुए वापस चर्च पहुंची। 2000 की अधिक संख्या में शामिल अनुयायियों की उपस्थिति में प्रार्थना पश्चात शोभा यात्रा का समापन हुआ। चर्च की ओर से उपस्थितों को भोजन दान दिया गया। कार्यक्रम सफलतार्थ पेरिश परिषद के सदस्य फादर वियानी फादर लाची सिस्टर शाइनी आदि ने अथक प्रयास किए। बालक येशु के नाम यह पर्व हम मनाते हैं और आज के दिन जब हम यह सातवां इतवार मना रहे हैं तो आज के सुसमाचारों में हमें बड़ी मात्रा में शिक्षा दी जाती है कि हम हर एक पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। हमारे हर एक की पवित्रता बालक यीशु के अनुसार सीधी साधी निरागस और ईश्वर पर निर्भर होने वाली श्रद्धा रखकर हम अपने पवित्रता में बढ़ना चाहिए। इसलिए आज के पहले सुसमाचार में ईश्वर मूसा और उनके लोगों से कहते हैं, मैं आप सभी को पवित्रता के लिए निमंत्रित करता हूं। और यह पवित्रता क्या है, कैसी होनी चाहिए, ये आज की सुवार्ता में प्रभु येशु हमें स्पष्ट करते हैं। गिरी पर जो प्रवचन दिया गया उसका ही दूसरा भाग आज के सुसमाचार में हमें दिया गया कि हम अपने वैरी अपने दुश्मन अपने अपराधी को क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे बेहतर अच्छी बात क्या हो सकती है जब हम अपने अपराधियों को वैर भावना से दुश्मनी से उनको जब उनके और अपने रवैया देखते हैं तो ओ और आप में क्या फर्क है। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।